फिर से लेकर आ गया हूँ BTUP से रिलेटेड न्यूज़। इस न्यूज़ में कई सारे दिशा निर्देश बताए गए हैं जो कि एग्ज़ाम को लेकर हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि आपके 16 अगस्त से स्टार्ट होना है फाइनल ईयर के उनके लिए है, और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं दोनों के लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट दिखा देते हैं कि डेट को आई है नोटिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 अगस्त को आई है, यानी कि आज के दिन ये नोटिस आई है और ये सभी प्रिंसिपल के पास आई है, सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य हो, राजकीय हो, अनुदानित हो या फिर निजी क्षेत्र के हों। तो ये नोटिस जो है ईमेल के थ्रू आई है, आपको BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, प्रावधिक शिक्षा परिषद के आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 और ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो इस पर कई सारी जानकारी बताई गई हैं, जैसे कि पिछली अभी तक नोटिस आ रही थी सेम, जैसे AKTU ने आपका एग्ज़ाम कराया है उसी प्रकार से BTUP आपका एग्ज़ाम कराएगा। इसमें पॉइंट वाइज दिए गए हैं, यहाँ पर आपको टोटल 10 पॉइंट में समझाया गया है कि कैसे क्या होना है। तो इसको हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ये काफ़ी बड़ी नोटिस है। तो अभी जो आपका हाल ही में टाइम टेबल आया है, जो भी स्कीम आई है आप सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की, वो अब चेंज होने वाली नहीं है। तो आप उसको अच्छे से स्क्रीन शॉट मार के रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपका एग्ज़ाम होना है 16 अगस्त से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 अगस्त से ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, ये भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर कर दी गई है कि अभी तक आपको कंफर्म नहीं होगा कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो यहाँ पर ये भी कंफर्म कर दिया गया है आपके 16 अगस्त से ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। तो उसमें कुछ पॉइंट वाइज ये बताया गया है कि सबसे पहला पॉइंट है, यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट, तो इस पर आपके इंटरनेट की सुविधा बताई गई है कि आपको इंटरनेट अच्छा रखना है, एक डिवाइस अलग रखना है बैकअप के लिए कि जैसे इंटरनेट आपका नहीं चल रहा है तो आप उससे कनेक्ट कर लें। और दूसरा है कैमरा, कैमरा उज्ज्वल होना चाहिए, प्रकाश दिन के समान होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में, सेकंड में ये बताया गया, थर्ड में बताया गया कि आप एक कुर्सी मेज पर बैठे होना चाहिए और आपका कुर्सी मेज पर किसी प्रकार की बुक कॉपी नहीं होनी चाहिए, केवल एक A4 साइज का पेपर होना चाहिए, रफ पेपर और पेन पेंसिल रबर इरेजर वगैरह। और नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है कि आपके सामने की आसपास की जो भी दीवार हो उन पर कुछ किसी भी प्रकार का कुछ भी लिखा ना हो। नेक्स्ट है आपका, आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है। और सिक्स पॉइंट है आपके जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे MCQ टाइप। नेक्स्ट है आपका टाइमिंग वही पुराना वाला रहेगा, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइमिंग 1.5 घंटे रहेगी 50 क्वेश्चन, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए 25 क्वेश्चन और टाइमिंग रहेगी 60 मिनट यानी 1 घंटे। और आठवां है, प्रश्न पत्रों पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आपके माइनस मार्किंग नहीं होगी और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1 ही होगा 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10वां पॉइंट, ऑनलाइन परीक्षा तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट प्रयोग करना चाहिए, तो समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था एवं अपने स्तर से करनी होगी। तो इस पर भी कुछ खास नहीं बताया गया है, इस पर आपको ये भी बताया गया कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपका अच्छा होना चाहिए, और इसी के साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो जो ऑटो सबमिट का टाइमिंग रहेगी वो 15 मिनट रहेगी, यानी कि आपका टोटल जो 1.5 घंटा अगर फाइनल के स्टूडेंट की बात करें तो आपकी 1.5 घंटे टाइमिंग होगी, 1.5 घंटे में आपको 15 मिनट दिया जाएगा अलग से सबमिट करने के लिए, यानी पूरा टोटल टाइम हो जाएगा 1 घंटे 45 मिनट। 1 घंटे 45 मिनट के बाद आपका जो पेपर है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा, और ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का रहेगा 1 घंटे 15 मिनट। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि जैसे आपका एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट है तो आपको 9:30 बजे आपको ID और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप URIS पोर्टल पर जाकर उसको लॉगिन करेंगे। तो गाइस, जितने लोगों को अभी तक अपनी URIS की ID नहीं पता है तो अपने कॉलेज पे संपर्क कर लें, ID और पासवर्ड ले लें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो URIS पोर्टल के द्वारा होने वाला है। और तो आप ये सोच रहे होंगे कि URIS पोर्टल पर होगा तो नकल नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। URIS पोर्टल पर आपकी लिंक दिखाई जाएगी ऑनलाइन एग्ज़ाम की, और वो उस पर AI प्रॉक्टरिंग जो कि AKTU ने दी है वो उस पर सेट रहेगी, तो सीधे वेबसाइट पर ले जाके आपको वहाँ से एग्ज़ाम दिलाएगा। और नेक्स्ट है, यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये बहुत ही एक खास बात बताई गई यहाँ पर 13 नंबर पॉइंट पर,
कि जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक पर, लगभग 2.25 लाख स्टूडेंट, उन सभी को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना होगा या फिर कॉलेज वाले आपको खुद ही सूचित करेंगे कि आपको कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ लोगों का हो भी गया होगा अभी तक, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका ना ही मॉक टेस्ट होगा और ना ही ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो इसमें 13 नंबर में फर्स्ट पॉइंट है, सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा 4 से 5 बार फोटो क्लिक करेगा। ये सब आपका पहले ही आपको पता होगा, पहले ही ये दिखाया गया है। छात्र छात्रा को अपनी ईमेल आईडी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी उसे सत्यापित करना होगा। छात्र छात्रा का एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई भी त्रुटि यानी कि कोई भी एरर है तो वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा का मॉक टेस्ट भी दे सकेगा, यानी कि ये सारा जो आपका प्रोसेस है वहीं पर यूराइस के द्वारा आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। और मॉक टेस्ट किस वाइज होगा आपको ये भी बता देते हैं कि जैसे हमारा जो पेपर लगा हुआ है वो है 18 से, लेकिन कुछ लोगों का पेपर है 16 से, तो 16 से जिनका पेपर है 16 अगस्त से, उनका मॉक टेस्ट पहले होगा 16-17। ठीक उसी प्रकार से सबका मॉक टेस्ट होगा, जिनका एग्ज़ाम पहले उनका पहले और जिसका एग्ज़ाम बाद में उनके बाद में होता रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है, यानी कि उस पर आपको एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग ना करने पर किसी भी स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब यानी आपका रिजल्ट में देरी हो सकती है, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को आगामी सेमेस्टर यानी आने वाले सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। तो आपको सभी को एग्ज़ाम देना है टाइमिंग से। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, यानी कि जैसे कि आप लोग कह रहे थे अभी तक कि यदि हमारा पेपर आधे घंटे पहले ही हो गया है तो हम क्या सबमिट कर सकते हैं या नहीं, तो उसी यूराइस पोर्टल पर उसी एग्ज़ाम के जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी, उसकी स्थापना की जाएगी, जहाँ से आप अपने क्वेश्चन और वहाँ पर लिखित चैट का भी ऑप्शन रहता है, वहाँ से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको लिखित चैट के द्वारा भी वहाँ से पूछ सकते हैं प्रॉक्टर से कि क्या हम सबमिट कर सकते हैं, ये हमें प्रॉब्लम है, ये कुछ भी आप वहाँ से पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। किसी प्रकार की आपको जितनी भी परेशानी हो आप वहाँ पर हेल्प मांग सकते हैं। और नीचे देख लीजिए, कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो कि परीक्षा के सूचिता को बाधित करती है उस प्रॉक्टर द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के UFM के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो आप किसी प्रकार की चीटिंग ना ही करें तो बेटर रहेगा, नहीं तो आपके ऊपर UFM के द्वारा आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें, साथ ही यह सुनिश्चित हो लें कि आपकी संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने उपरोक्त प्रक्रिया समय सा समय पूर्ण कर ली है। तो यहाँ पर आप सुनील कुमार के सिग्नेचर भी देख लिए हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है, आपको ये BTUP की साइट पर नहीं देखने को मिलेगी, सभी प्रधानाचार्यों को भेजा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं, सारे ही पुराने थे, कुछ इसमें नया ऐड किया गया था जो हमने आपको बता दिया है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद।